अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। घर बनवाने के लिए तो दौड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें रहने वाले जो जीवात्मा हैं, उनको संस्कारी बनाने के लिए भी परिवार को समय देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं, घर बनवा के कोई लाभ नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग हवेलियां बन गई हैं, खंडहर बन गए, कोई रहने वाला नहीं, सब फांसी लगा के मर गए, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है। क्या करोगे कमा के जब तुम्हारी औलाद ही तुम्हारे पास ना रही, तो फिर क्या करोगे? इसलिए घर बहुत सुंदर मिला, भगवान के पास गई, बोले कुछ नहीं मिला इसमें खाने के लिए, बोले व्रत तो तुमने बहुत किया, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी संत महात्मा ब्राह्मणों के निमित्त, देवताओं के निमित्त कभी तुमने अन्न दान या धन का दान नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम स्वर्ग आ गई, जाओ, तुम अपना दरवाजा जाकर के बंद कर लो। अब जब देवांगनाएं आएंगी और तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगी, तो तुम दरवाजा खोलना मत, दरवाजा खोलना मत, उनसे पूछना कि सट तिला एकादशी की महिमा क्या है। वो जाकर के दरवाजा बंद कर लिया, देवांगनाएं आई, आकर के दरवाजा खटखटाई, बोले कौन? बोले दरवाजा खोलो। बोले आप सट तिला एकादशी की महिमा बताओ। देवांगनाओं ने सटतिला एकादशी की महिमा बताई और उसने अंदर सुनी महिमा को, और महिमा सुनने के बाद वो सटतिला एकादशी की, और एकादशी करने के बाद जब उसने गेट खोला तो देवांगनाओं ने अंदर देखा कि एक सुंदर सी, न तो असुर थी, न तो राक्षस थी, न तो देवांगना थी, एक सुंदर सी ब्राह्मणी जैसे वो थी वैसे ही सुंदर शरीर प्राप्त करके, और घर पूरा अन्न क्षेत्र से भरा पड़ा मिला, सब कुछ मिला। किससे मिला? कि वो सटतिला एकादशी करने से, सटतिला एकादशी करने से जीवन के जितने हमारे पाप होते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।